हनमकोंडा जिले की दमिरा मंडल की ओगलापुर में वाक़ हज़रत सैलानी बाबा गुंडम जतारा का जुमा को धूमधाम से आगाज हुआ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से हजारों अकीदतमंदों का हुजूम हुआ। जुमा की आधी रात को दरगाह सदर ने ऊंट पर चंदन की लकड़ी लाकर चढ़ाई। वरंगल वेस्ट की एमएलए नाइनी राजेंद्र रेड्डी, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हैंडन, शायर और ग्लोकार वरंगल श्रीनिवास, मुख्तलिफ दरगाहों के सुदूर और अवामी नुमाइंदों ने चादर चढ़ाई और खसूसी दुआ की। महाराष्ट्र के खसूसी जाबरा बैंड के मौसीकार मुतासर कुन थे। मेले में बच्चे घोड़ों और ऊंटों पर सवार हुए और पूरी रात अपनी खुशी में शरीक होकर लौट गए। जुमा को दरगाह पर लाखों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। पर काला एसीपी किशोर कुमार की हिदायत पर इंतजाम किए गए। दरगाह के सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद बाबा, राशिद बाबा, एस के मोइन, सी आईज रंजीतो, क्रांति कुमार, रवि, राजू, एस एस आई अशोक, प्रदीप कुमार और एमपीटीसी के अराकीन ने तकरीबात में शिरकत की। ప్రతి సంవత్సరానికి ప్రజలు పెరగటం మిత్రులు నిజామాబాద్ రావడం చేస్తున్నారు, అందరూ కూడా రావడం అనేది చాలా సంతోషంగా आज सैलानी बाबा का 117 उर्स जो यहाँ पर मुनक्किद किया जा रहा है, मेरे भाई बाबा हमीद भाई को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो यहाँ मौजूद है, खुसूसन यहाँ के एमएलए मेरे दोस्त नाइनी राजेंद्र रेड्डी साहब हमेशा की तरह इस साल भी आकर बाबा के संदल में शिरकत करने का मौका उनको मिला और हमीद भाई के ज़रिए जो बाबा मुझे बुलाए यहाँ तक, मैं यहाँ तक आया और इस संदल में शिरकत करने का मुझे जो मौका मिला, वहीं यहाँ के लोगों का, यहाँ के आवाम का, यहाँ के जो भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, खुसूसन हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहने की जो तहजीब है, तहजीब को बरकरार रखने में वरंगल ज़िले के जो भी यहाँ पर नुमाइंदे हैं, खुसूसन राजेंद्र रेड्डी साहब यहाँ पर रहकर हम सबको हिम्मत अफजाई देकर सैलानी बाबा को हमेशा हम याद करते हुए इस इलाके का, इस सूबे का, खुसूसन तेलंगाना रियासत का, हिंदुस्तान को, जमहूरियत को रखने के लिए हम सब बाबा से दुआ करेंगे। बाबा हमेशा हम सब के साथ रहेंगे। इन दो अल्फाजों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।